भाई और जानकारी लेते हैं हमारे बीच में सुमन सोनकर जो लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं और पढ़ा रही हैं। मैडम, ये रिजर्वेशन की जो एक मुहिम है, रिजर्वेशन है क्या चीज़? ये देखिए, अगर आप रिजर्वेशन के ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव देखते हैं तो रिजर्वेशन कोई नया नहीं है इस देश में। आज जो लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं उन्होंने हजारों साल 100% रिजर्वेशन का मलाई खाई है, फायदा उठाया है। 100% खाई है जिन्होंने 100% रिजर्वेशन उठाया। भारत की जो मनुवाद है, आप अगर मनु संहिता पढ़ते हैं तो वो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये कहता है कि जो जो ब्रह्म जो जो एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग शिक्षा का कार्य करेंगे, अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। तो उन्होंने शिक्षा को 100% अपने अंडर रिजर्व कर लिया। कुछ लोगों ने ये कहा कि जैसे वैश्य, उनको ये कहा गया कि वो ट्रेड जो है वो सिर्फ उनके अंडर में कंट्रोल रहेगा। तो 100% जो व्यापार जो है वैश्य कम्युनिटी में चला गया। सुरक्षा का जो जिम्मेदारी थी वो दे दिया गया एक सर्टेन कम्युनिटी को। तो देखिए, जो ये 100% रिजर्वेशन जो खाते आए हैं, जिन्होंने ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया और समाज के सफाई का, समाज के शोषित वर्ग जो है, वंचन जो है, एक बड़े बहुतायक तबके के ऊपर छोड़ दिया गया। तो रिजर्वेशन इज नथिंग न्यू, बट आज़ादी के बाद बाबा साहब ने इसी रिजर्वेशन के विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान किया कि जो 100% शिक्षा का जो व्यवस्था है, जो न्यायपालिका में 100% जो आरक्षण है कोलोजियम व्यवस्था के तहत, उसको उन्होंने ब्रेक किया और समाज के पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया, उसी आरक्षण के से सीख करके कि ये जो है 15% 13% 22-25% इस लोगों को आपको उसमें लाना होगा। ये है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। और इसी बात को संविधान में जो व्यवस्था की गई, अब ये सरकार जो है लगातार, चूंकि सरकार इसको नहीं खंडित कर सकती है, इस जनादेश को, इस संविधान को वो कुछ नहीं टच कर पा रही है, तो वो न्यायपालिका में अपने लोगों को भेज करके इस रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन को वो टच करने की कोशिश कर रही है, हैम्पर करने की कोशिश कर रही है। जबकि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो जो न्यायपालिका में 600 में हाल ही में पढ़ रही थी, मेरा डेटा गलत भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा जो है 600 में से लगभग 596 लोग ब्राह्मण कैटेगरी के हैं। आप सोचिए, समाज के न्याय व्यवस्था में अगर एक जाति का अगर वर्चस्व होगा तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा? आप देखें, सारे VC जो लगभग है वो किस कम्युनिटी से हैं, मिनिस्टर्स, सब आपके पास डेटा है। तो आप किस आरक्षण की बात करते हैं? आरक्षण तो आपने स्वयं किया है, हम तो उस आरक्षण को डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं। हम शिक्षक, बुद्धिजीवी वर्ग, उस वंचित समाज की आवाज़ बन के खड़े हैं, उसके आने वाले बच्चों की एजुकेशन के लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं कि वो भी यूनिवर्सिटी में इसी रिजर्वेशन के तोड़ करके वो एंटर कर सके। और इसलिए हमारे लिए 200 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई मृत्यु या जीवन का प्रश्न है और हम इसे लेके रहेंगे हर हालत में। धन्यवाद मैम।